जय धन्वंतरी, नमस्कार, जय आयुर्वेद। आज प्रकृति के विरुद्ध जो पृथ्वी चल रही है उसके कारण ये रोग आया है। हम लोगों ने पिछले 5000 वर्षों में जो प्रकृति का दोहन नहीं किया वो 50 वर्षों में कर दिया। हम लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ों का निर्माण कर दिया जिससे कि प्रकृति का कोई संबंध ही नहीं है। उदाहरण के स्वरूप एक बहुत प्लास्टिक एक ऐसा द्रव्य आया है इस पृथ्वी पर जिसकी आयु हजारों वर्ष है। प्रकृति ने जो भी चीज़ें बनाई है नश्वर बनाई है, और मनुष्य ने एक प्लास्टिक बनाया जो अमर बना दिया और वो वर्षों में ख़राब नहीं होता है। आज उसी के दंड को आज हमारी पीढ़ी और हमारे बाद वाली पीढ़ी भोगेगी। कितनी दुर्भाग्य की बात है, कोरोना ये एक ऐसा वायरस आया है जिसकी की साइज अन्य कीटाणुओं से कहीं ज़्यादा बड़ी है और कहीं ज़्यादा घातक है। यह रोग प्रसारण भी है और जीवाणुजन्य है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस कोरोना ने मनुष्य को मनुष्य से दूर कर दिया। बीमारियां तो बहुत आई संसार में, लेकिन ये ऐसी बीमारी आई, एपिडेमिक ऐसी महामारी आई जिसने कि परिवार से परिवार को दूर कर दिया, मित्र को मित्र से दूर कर दिया। लोग एक दूसरे से भयभीत होने लग गए, किसी भी चीज़ को छूने में भी डरते हैं कि इसको मैं छूँगा तो मेरे को कोरोना तो नहीं हो जाएगा। बीमारी अपनी जगह है, लेकिन इसने तो मानसिक रूप से भी लोगों को बीमार कर दिया। ये कोई बीमारी है, हवा बन गई है, पूरे विश्व हवा में जी रहा है। आज आप देखिए पृथ्वी के अंदर में कितनी चहल पहल थी, कितने लोग आगमन करते थे, भाग रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। पृथ्वी कितनी आबाद गति से चल रही थी, आज आप देखिए सारे एयरपोर्ट सूने पड़े हैं, रेलवे के स्टेशन हैं, बस स्टैंड में आप जाइए, वहाँ जाइए, मॉल में जाइए, सब लोग बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं। क्या हो गया, ऐसी क्या बीमारी आई जिसने कि हर व्यक्ति को हर व्यक्ति से दूर कर दिया, हर जगह सन्नाटा आ गया। अद्भुत, बड़ा त्रासदी का विषय है, बहुत दुख का विषय है। लेकिन अब हमें चूँकि बीमारी आई है तो मनुष्य जो है, मनुष्य के अंदर में वो कर्मठता है कि वो किसी भी चीज़ से लड़ने की क्षमता रखता है। यही मनुष्य की प्रकृति का गुण है, यही मनुष्य होने का गुण है, क्योंकि मनुष्य में विवेक है। विवेक होने के चलते ही वो सारी अच्छी चीज़ें आज भी कर सकता है। आज विज्ञान का युग है, विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिखाया है, सिखाया है, बताया है, लेकिन इन सबों के ऊपर आयुर्वेद ने पहले ही बहुत सारी बातें बता दी थी। आज टेलीविज़न की बातें हमारे महाभारत काल में अगर देखी जाए तो उस समय बता दी गई थी, जब धृतराष्ट्र के सामने में संजय जी सारी बातें बता रहे थे। उसके पहले युग राम के समय में जो हवाई जहाज़ की बात आती थी तो उस समय भी हवाई जहाज़ से ही पुष्पक विमान, जिसको हम कहते हैं आज के युग पुष्पक विमान, जिससे कि बैठ के, और वो क्रम से अपने आप बड़ा भी होता था, छोटा भी हो जाता था, ये उसकी तारीफ थी। वो पुष्पक विमान से हजारों आदमी अयोध्या में आए। आप ये देखें कि हमारा आयुर्वेद और हमारे प्राचीन ऋषि मुनि अद्भुत थे, आप उनको स्वीकार कीजिए, आपका मनोबल बढ़ेगा। पहले उनको रमन करने से ही आपका मनोबल बढ़े। आयुर्वेद ने एक श्लोक में वर्ल्ड थीसिस दी है, मिथ्या आहार भ्याराभ्याम दोषा ही समाश्रया वय अग्नि चकोष्टाग्नि ज्वरासुरहरण का, माने अर्थार्थ मिथ्या आहार भ्यार इरेटिक इन लाइफ आपके जीवन को नष्ट कर देगी। अगर आप अपनी दिनचर्या को ऋतुचर्या को नहीं मेंटेन करेंगे आप लोग सभी तकलीफ में पड़ेंगे। आजकल के बच्चों में कितना उनकी इंटेलिजेंसिया को चैलेंज देखिए, छोटे छोटे बच्चों में इतनी इंटेलिजेंसिया है कि वो हम लोग की सोच के बाहर की होती है, लेकिन उनका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं होता है। उनमें अभी से इतना ईगो, अभी से इतना टेंशन स्कूल के द्वारा, माता पिता के द्वारा दे दिया जाता है कि बच्चों का कभी बहुत सारे बच्चों में ग्रोथ की कमी आने लगी है। इसीलिए आप कोरोना की तो बात जो हम लोग करते हैं, ये कोरोना के जैसी महामारी के रूप में हम लोग के सामने में है।
कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता दूं, आप उससे अपने इम्यून सिस्टम की रक्षा करेंगे। अभी आने वाले एक महीना तक आप लोग किसी भी तरह का कोल्ड ड्रिंक्स, बासी भोजन, बाजार का भोजन न करें। गर्म पानी का सेवन आप करें, गर्म पानी के अंदर में त्रिकटू का प्रयोग करें जो कि आपके घर में मिलेगा। आप भोजन के पहले अदरक को घियाकस करके उसमें नींबू का रस और थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर डाल दीजिए, उसके दो चार टुकड़े आप भोजन के पहले कर लीजिए, आपकी अग्नि भी बढ़ जाएगी, आपका भोजन में रुचि भी हो जाएगा, आपके सलाइवा सिक्रेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और पेट साफ रखिए, सुबह का भोजन राजा की तरह कीजिए, दोपहर का भोजन भोजन की तरह कीजिए, रात का भोजन को आप एक साधारण व्यक्ति की तरह कीजिए, तो सब चीज़ की व्यवस्था हो जाएगी। सुबह में आप राजा के भोजन के रूप में आप फल का प्रयोग कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग कर सकते हैं। दोपहर के समय में आपका भोजन के अंदर में सलाद और ये होनी चाहिए, रात के भोजन में आपका वेजिटेबल, जितने भी वेजिटेबल सूप हो, और सीजन के फल के अलावा अन्य कोई चीज़ का प्रयोग ही मत कीजिए। एक और जो सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि ऋतु के अनुसार ही फलों का सेवन करें। कोई महंगे फल से आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा ऐसी बात नहीं है। और कुछ दवाइयाँ जो कि बहुत उपयोगी है और आपके पॉकेट में और आपके घर में रहनी चाहिए, जिसके नंबर में एक चंद्रामृत रस एक ऐसी दवा है जो कि आपके गले के किसी भी इन्फेक्शन को दूर करने में सक्षम है। एक है खदिरादी वटी, ये दो गोली अगर आप मुंह में रखेंगे तो आपको किसी भी तरह के कफ की कंजेशन का या अन्य कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। एक साधारण सी दवा मृत्युंजय रस है, ये आपके घर में रहेगी, आप इसको बंगला पत्ती पान के रस या शहद के साथ या तुलसी पत्ता के साथ आप अपना इसको प्रयोग कर सकते हैं। और तुलसी का प्रयोग जो हमारे एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, हजारों वर्षों से चरणामृत के रूप में जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तुलसी का प्रयोग खूब करें पानी के अंदर। अच्छा, बहुत सारी दवाइयाँ आपके घर में मसाले के रूप में पड़ी हुई है, जिसमें दालचीनी है, इलायची है, लौंग है, जावित्री है, पीपल है, गोलमरीच है, ये सारी दवाइयाँ एक औषधि के रूप में है, सौंफ है, धनिया है, सारी औषधियाँ हैं, और उनका क्रम से प्रयोग करते रहें, स्वस्थ रहें, गर्म पानी थोड़ा थोड़ा सिप करके पीते रहें, कोरोना वायरस से आप बच के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, शुभम।